हेलो दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने बात किया था भारत के प्रसिद्ध हस्तियां, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में और उनके उपनामों के बारे में देख लिए थे, जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज उसी में और कुछ जानकारियां हैं, तो इसको भी देखते हैं और समझते हैं और किनको क्या कहा जाता है, इन सारी चीज़ों को भी समझते हुए चलेंगे। इन सबों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं आगे की और जानकारियाँ। तो सबसे पहले है हॉकी का जादूगर, तो यह उपनाम है और यह कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। तो दोस्तों, हॉकी का जादूगर या द विजार्ड या फिर द मैजिशियन, ये तीनों उपनाम जो हैं वह मेजर ध्यानचंद जी का है। तो इनके बारे में जो जानकारी, इनसे जुड़ी जानकारी जो है और इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन बनता है तो उनको भी आसानी से बना सकें। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905, मतलब 29 अगस्त 1905 ईस्वी में तत्कालीन इलाहाबाद में हुआ था। तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उस समय के इलाहाबाद नामक जगह में हुआ था। और ये भारतीय हॉकी प्लेयर हैं जो हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। तो दोस्तों, और हमें यह भी जाननी है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और ये मेजर ध्यानचंद जी भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर हैं, भारतीय हॉकी टीम के की ओर से खेलते हैं और ये हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। और इनका जो खेलने का पोजीशन है हॉकी के खेल में, वह सेंटर फॉरवर्ड से है। तो ये सेंटर फॉरवर्ड से हॉकी खेलते हैं। दोस्तों, ये अपने जीवन में, अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक ज़्यादा गोल किए और इनका जो खेल है वह इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा था कि विपक्षी या प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी अक्सर इनके बारे में कहते थे कि ये जादुई स्टिक से खेलते हैं। तो इनका खेलने का अंदाज इतना अच्छा था कि इनके जो प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी थे, अपोजिट टीम के जो खिलाड़ी थे, वे लोग इनको कहते थे कि आप जादुई स्टिक से, हॉकी स्टिक से खेल रहे हैं। इस प्रकार से ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रेडमैन के समतुल्य माना जाता है। तो दोस्तों, हॉकी में ध्यानचंद जी को फुटबॉल के पेले और क्रिकेट के जो ब्रेडमैन के तुलना में इनका नाम गिना जाता है। इसके बारे में जर्मनी के रूडोल्फ हिटलर ने कहा था कि जर्मनी के लिए खेलने की ये पेशकश किए थे। तो दोस्तों, जर्मनी के रूडोल्फ हिटलर जो थे वह मेजर ध्यानचंद जी को जर्मनी के लिए खेलने के लिए पेशकश कर दिए थे, लेकिन इन्होंने भारत के लिए खेलने का गौरव प्राप्त किया। इन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं खेलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ भारत देश के लिए, अपने देश के लिए खेलूंगा। ऐसे ये स्वाभिमानी भी थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके बारे में एक और जानकारी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्जामों में कहीं ना कहीं पर पूछा ही जाता है। इनको 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर यह बहुत ध्यान रखना है कि 1956 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इनका जो बर्थडे है 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर यह चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय खेल दिवस किस महापुरुष से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद जी का, और उनका जो जन्मदिन है वह 29 अगस्त है। तो इनका बर्थडे को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर यह चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं पीटी उषा, यह उपनाम है और यह पीटी उषा जी को ही कहा जाता है। इनका पूरा नाम है पीला कुलकंडी थेक्के पारंबिल उषा, तो इनको पीटी उषा ही कहा जाता है। और इनका जन्म केरल राज्य में हुआ था, केरल राज्य के कोझिकोड में हुआ था और इनको घर में पयोल्ली एक्सप्रेस नामक उपनाम दिया गया था। तो दोस्तों, पीटी उषा का जन्म केरल कोझिकोड में हुआ था और इनको घर में पयोल्ली एक्सप्रेस नामक उपनाम दिया गया था। और ये भारत के एक एथलीट के तौर पर खेलकूद में जानी जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह खेलकूद में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी।
इन्होंने विभिन्न प्रकार के खेलों में उपलब्धियां हासिल की हैं और एशियाई खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने बाधा दौड़ में विभिन्न प्रकार के पदक प्राप्त किए हैं। दोस्तों इंडोनेशिया जकार्ता 1995 ईस्वी में इंडोनेशिया और जकार्ता में हुए एशियाई खेल कूद और दौड़ प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1600 मीटर रिले रेस में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये बहुत अच्छी धाविका थी और इन्होंने इंडोनेशिया जकार्ता में जो एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता हुआ था उसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1600 मीटर रिले रेस में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। किसी भी महिला द्वारा किसी एक ही दौड़ प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीतने का यह इनका कीर्तिमान है। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा ये अन्य खेल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता। इनको 1983 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया और पद्मश्री इन्हें 1985 1985 में मिला। तो यहाँ पर यह चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनको उड़नपरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक उपनाम यह भी है उड़नपरी, तो उड़नपरी है पीटी उषा। चलिए आगे देखते हैं हरियाणा हरिकेन। तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है और कपिल देव के बारे में बहुत को पता होगा, तो इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी है उसको भी देखते हैं। तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कपिल देव का पूरा नाम रामलाल निखंज था। कपिल देव रामलाल निखंज इनका पूरा नाम था, जो एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और एक संपूर्ण ऑलराउंडर थे और इनका जन्म चंडीगढ़ पंजाब राज्य में हुआ था। तो दोस्तों ये एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जो एक संपूर्ण ऑलराउंडर थे और इनका जन्म पंजाब राज्य के चंडीगढ़ में हुआ था। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 1983 लॉर्ड्स में विश्व कप जीता था। तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम सबसे पहले इन्हीं की कप्तानी में, कपिल देव की कप्तानी में 1983 लॉर्ड्स के मैदान में विश्व कप जीता था। ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे पहले 200 विकेट ओडीआई के लिए हैं। तो दोस्तों ये पहले क्रिकेटर बने थे जिन्होंने 200 ओडीआई विकेट्स लिए थे। तो यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना है कि 1983 में भारतीय टीम सबसे पहले विश्व कप जीता था, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम सबसे पहले विश्व कप विजेता बनी थी। ये कुछ फिल्मों में कैमियो रोल भी किए हैं और इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्म भूषण, पद्मश्री ये भी सारे पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। इनके ऊपर में 83 नाम से एक बायोपिक फिल्म भी बन रही है जिसमें रणवीर सिंह मुख्य किरदार निभा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह चीज़ सारी जाननी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1983 विश्व कप जो लॉर्ड्स में खेला गया था उनकी कप्तानी कपिल देव ही कर रहे थे। तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर उपनाम है सुनील गवास्कर का। तो दोस्तों लिटिल मास्टर सुनील गवास्कर को कहा जाता है। सुनील गवास्कर का पूरा नाम सुनील मनोहर गवास्कर है, जिनका जन्म मुंबई में हुआ था और ये ओपनिंग बैट्समैन थे भारतीय टीम के और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे। इन्हें पद्मश्री 1980 को पद्मभूषण भी मिला था। तो इन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण दोनों मिला हुआ है और इन्हें 1980 में मिला है। तो लेकिन यहाँ पर यह जानना है कि लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गवास्कर जी को कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। इनके बारे में बहुतों को पता होगा कि क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, महान खिलाड़ी रहे हैं और इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। तो दोस्तों मास्टर ब्लास्टर के बारे में यह है कि इनका जन्म मुंबई में हुआ था और इन्हें क्रिकेट के भगवान, द लिटिल चैंपियन, मास्टर ब्लास्टर इन आदि उपनामों से भी जाना जाता है। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सन 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला हुआ है और ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं। तो दोस्तों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जो हैं उनको पद्म विभूषण, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान तक में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं।
जो 18,000 से भी ज़्यादा रन ओडीआई में बना चुके हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1997 से 98 के बीच में मिला था, पद्मश्री 1999 में मिला था, पद्म भूषण 2008 में, और यहाँ पर जो बता रहा हूँ वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्हें भारत रत्न 2014 में प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों भारत रत्न 2014 में प्राप्त हो चुका है, जो कि भारत का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो भारत रत्न इन्हें 2014 में प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर यह चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। आगे देखते हैं, और अभी यहाँ पर है जो उपनाम वह है भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। कालिदास जो है वह भारत का शेक्सपियर हैं। इनके बारे में जानकारी है कि ये संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार हुए, और ये भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व को इन्होंने अपने कवि और नाटक से निरूपित किए हैं। तो दोस्तों ये जो कालिदास हैं वह संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार हैं, और इन्होंने भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूपों को मूल तत्वों को निरूपित किया है ये अपने कवि और नाटक में। दोस्तों ये बहुत बड़े महामूर्ख थे। इनके बारे में कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में ये बहुत अनपढ़ और मूर्ख थे। ये जिस डाली पर बैठे हुए थे उसी डाली को ये काट रहे थे, तो इनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। लेकिन बाद में ये भारत का शेक्सपियर मतलब भारत के महान कवि और नाटककार बने, तो ये जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा मूर्ख थे। लेकिन बाद में इन्होंने इतने अच्छे काम किए, इतने अच्छे नाटक और कवि लिखे कि ये स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम अंकित हो गया। तो दोस्तों भारत का शेक्सपियर कालिदास। अब शेक्सपियर जो है वह इंग्लैंड के एक महान पोएट्री लिखने वाले हैं, उन्हीं के तुलना में इनको भी भारत का शेक्सपियर कहा गया है। तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। अब इनके बारे में जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वह है कि इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम और ऋतु संहार नामक पुस्तक लिखे, नाटक लिखे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं, कुमार संभवम के लेखक कौन हैं। इस टाइप से इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में बनता है। तो यहाँ पर इन सबों को लिखने वाले हैं कालिदास जी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम जो कि एक नाटक है, कुमार संभवम, ऋतु संहार, ये सब के लेखक हैं कालिदास। तो इनसे अगर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इस सबको आसानी से बना सकते हैं। अब और है लाल बाल पाल। तो दोस्तों लाल बाल पाल यह उपनाम है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का, और इन तीनों में से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो लाल बाल पाल में लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल जो है वह बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है, तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि उनको सबसे पहले अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिले। तो लाल से लाला लाजपत राय हो गया, बाल से बाल गंगाधर तिलक जिनको लोकमान्य भी कहा जाता है, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, और ये गरम दल के नेता थे। तो दोस्तों उस समय भारत में गरम दल और नरम दल के दो गुट हुआ करते थे, तो उसी में ये जो थे वह गरम दल के नेता थे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है और अच्छे से याद कर लेनी है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें, और आने वाले वीडियो में भी जो थोड़ी बहुत जानकारी होगी उनको भी मैं बता दूंगा, ताकि आप लोगों को उनसे भी अगर क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, तो आसानी से बना सकें। थैंक यू दोस्तों।